हेलो शार्क्स, हम दो मिनट में क्या ही कर सकते हैं, ना ही दो मिनट में मैगी तैयार होती है, ना ही दो मिनट में बीवी तैयार होती है, लेकिन दो मिनट से भी कम टाइम यानी कि 80 सेकंड्स में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम लेकर आए हैं हमारी मशीन 80 वॉश, जो 80 सेकंड्स में बिना पानी और बिना डिटर्जेंट के कपड़े साफ करती है। शार्क्स, आई एम नितिन सलूजा। मैं हूँ वरिंदर। शार्क्स, मेरा नाम है रूबल, हम चंडीगढ़ से आए हैं और हम हैं कोफाउंडर्स 80 वॉश के। 80 वॉश एक न्यू जनरेशन की वॉशिंग मशीन है। नॉर्मल वॉशिंग मशीन होती हैं फ्रंट लोड, वो अराउंड 15 से 20 लीटर पानी लेती है एक साइकिल के लिए। वही 80 वॉश वही काम 80 सेकंड्स में करती है। वही नॉर्मल वॉशिंग मशीन कम से कम 60 से 70 मिनट चलती है एक साइकिल, 80 वॉश चलती है 80 सेकंड्स के लिए और वही दाग, स्मेल, बैक्टीरिया सब कुछ कपड़े से निकाल देती है और आपको साफ कपड़ा मिलता है। ये मशीन वहाँ पे बहुत सूटेबल है जहाँ पे कपड़ों का वॉल्यूम बहुत हाई रहता है, जैसे कि अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें जहाँ पे हजारों पेशेंट्स डेली आते हैं और अगर हम हर पेशेंट के लिए वो बेडशीट और पिलो कवर चेंज करने लग जाएं तो उसमें कितना पानी, रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन मैन पावर और टाइम कंज्यूम होगा। लास्ट 2.5 महीने में हमने 40 मशीनें बेची हैं और हमारा विजन है कि हम 80 वॉश के थ्रू लॉन्ड्री को इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाएं। शार्क्स, आज हमारा आस्क है 1 करोड़ के लिए 2.5% इक्विटी का। नितिन, वरिंदर एंड रूबल, वेलकम टू शार्क टाइम। बिफोर हम और कोई बात करें, डेमो ले लेते हैं, बिकॉज मेरे को देखना है यार कैसे आप बिना पानी के धोते हैं। मुझे वो कपड़े स्मेल करने हैं। तो मैं डेमो के लिए हमारे मित्र भव्य वर्मा को बुलाना चाहूंगा। क्यों, ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं डेमो दे रहे? हम भी कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट है। हाँ जी, एक्सपर्ट है। मतलब किस चीज के एक्सपर्ट है? वो मशीन है एक, ठीक है, वैसे वो इंडस्ट्री में लगी रहती है। अच्छा, तो इंडस्ट्रियल पीपल उसको यूज करते हैं, तो वो ट्रेनिंग के साथ यूज करते हैं। ये रेजिडेंशियल पर्पसेस नहीं है, ओनली फॉर इंडस्ट्री। अभी अभी ये वाला जो मॉडल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल वाला है। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है भव्य। अब मैं आपको एक टॉवल पे कॉफी का स्टेन लगा के हमारी 80 वॉश में धो के दिखाऊंगा। मैं आके डाल दूं अपनी कॉफी का? हाँ, डालना, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा। कभी कभी ना मैजिक में वो लगता नहीं है ऑथेंटिक आप स्टेन डाल रहे हैं, पता लगा आपकी कॉफी भी नकली है। इन्होंने तो पूरा कॉफी डाल दिया। हो जाएगा 80 वॉश से साफ, कोशिश करते हैं। आप घबराए लग रहे हैं मुझे अभी ऐसे। अब मैं इस बटन को नीचे करके वाटर टैंक में वाटर फिल कर लूंगा। आप तो कह रहे हैं वाटरलेस है? नहीं, इतना है ना पानी, हाफ ग्लास। ISP जनरेट होने के लिए वाटर टैंक में वाटर फिल हो रहा है। What is ISP? ISP टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी की एक बूंद को इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि वो कपड़ों से दाग को निकाल लेती है, बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देती है और स्मेल भी खत्म कर देती है। क्या बात है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो ISP है वो एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसपे हमने पेटेंट किया है। मतलब ग्लोबली आपको पेटेंट ग्रांट हो गया? नहीं, ग्रांट नहीं हुआ है। अच्छा। अभी पेटेंट फाइल किया गया है। You have coined the term ISP. Yes, yes. क्या बात है। अभी मैं बटन ऊपर करके 80 वॉश को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये वाला बटन नीचे करके फर्स्ट वॉशिंग साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ। ISP जनरेशन के लिए ये मशीन कुछ प्री प्रोसेसिंग टाइम लेती है जिसका प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है। कितना टाइम लेती है? 120 सेकंड्स के आसपास। मार्केटिंग में 80 सेकंड बोलते हो लेकिन असल में तो 2.5 मिनट लगता है। वो तो उन्होंने बोला 2 मिनट में, तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। 2 मिनट में ना मैगी बनती है ना कपड़े धुलते हैं, ये साबित कर दिया आपने। अच्छा, हो गए ना 120 सेकंड, उससे ज्यादा ही हो गया है। ये फर्स्ट टाइम, वो थोड़ा टाइम लेता है। अभी स्टार्ट हो गया, अभी स्टार्ट हो गया। अभी पूरा प्रोसेस जो है ऑटोमेटेड है 80 सेकंड्स के लिए। जब ये टेक्नोलॉजी आप लोगों ने बनाई है तो इस पे बिजनेस बनाने से बेटर नहीं होता? ये टेक्नोलॉजी आप सारे वॉशिंग मशीन कंपनीज को बेच दें, वो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। बहुत सारी कंपनीज ने हमारे पास आकर डेमो लिया तो उनकी जो खुद की अभी की असेंबली लाइन है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो उनको चाहिए कि ऐसा या तो मार्केट में ना आए तो बेहतर है, जब तक वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बुक कर सकते हैं। तो शार्क्स, ये हमारा 80 सेकंड का साइकिल कंप्लीट हो गया है। फटाफट सफेद टॉवल निकाल दो। वो इतना गरम गरम, बट ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो साफ ही नहीं हुआ। ये तो साफ ही नहीं हुआ है ना, गीला है। नहीं, ऐसे बट फ्रेश स्मेल नहीं आ रही है।
क्योंकि कॉफी हार्ड स्टेन था, जितने साइकिल्स हम चलाते रहेंगे उतना साफ होता जाएगा। पहले आपने बोला 80 सेकंड में होगा, नहीं हुआ। फिर आपने बोला 120, नहीं हुआ। फिर आपने बोला एक बार वॉश करेंगे, नहीं हुआ। अब आप बोल रहे हो सेकंड टाइम वॉश करेंगे, अब हो जाएगा, डल होता जाएगा कलर भाई। लेकिन इंडस्ट्रियल में तो ऐसा है ना, टाइम इज मनी, और ये करते बैठेंगे तो नौकरियां चली जाएगी लोगों की। तो आपने चला दिया फिर से? हाँ जी चला दिया। जब हमने इसको हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये जब स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले जब हमने इस पे काम, तो 5 साल R&D करने के बाद 2.5 महीने पहले पहला सेल हुआ है, राइट? हमने 2021 में पहला पैसा कमाया था पायलट वाला, उनको डेमो देकर सेल करके। पर मैं उसको कंप्लीट सेल नहीं मानता हूँ। जो मेरा फर्स्ट कमर्शियल सेल हुआ वो 2.5 महीने पहले हुआ, और उन लोगों ने लिया जहाँ पर मैंने पायलट किया था। कितने का दिया आपने एक पीस उनको? ये हमारा 26,999 का था, उसके बाद आफ्टर डिस्काउंट 25,000 के आसपास, एक्सक्लूसिव ऑफ टेक्सास। इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है एक को बनाने का? 19,500 रुपए। अच्छा अब ये बताओ आपने सेल कितनी करी है अभी तक? हमने 40 मशीन्स का सेल किया है। किसने खरीदी? ये जो मेजर हमारा गया है सैलून्स में गया है, ये हमारा हॉस्पिटल्स में गया है, ये हमारा होटल्स में गया है। हर महीने का सेल कितना बैठ रहा है अभी? 25,000 में बेच रहे हो? ये 3 kg वर्जन है जो आप देख रहे हैं, जो 7 kg है वो 55,000 रुपीज। एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है आपका मशीन का? 40,000। आप पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बता दो, आपने कब स्टार्ट किया था ये? हाँ। काम कब और स्टार्ट आप किया? आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो पूरी कहानी? हाँ, जल्दी से। ये मैं एक लैब चलाता हूँ, वहाँ पर लैब में रिसर्च करने आते थे, ही वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। आप ये लैब कहाँ चलाते हैं? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। क्या नाम है? कौन से इंस्टीट्यूट में? ये सेंटर फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एंड हाई पावर के नाम से है। इंटरेस्टिंग। और he was known in that area. मैंने इनसे बात की कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं कुछ ऐसा रिसर्च करता हूँ तो लेट ऑन हमारी इनसे बात हुई। पहले मैं सिर्फ इनके साथ काम करता रहा। फिर सर पिछले 5 साल क्या क्या? तो 3 साल तो हमने इसका काफी रिसर्च किया कि इसको। पर आप ये फुल टाइम कर रहे थे 3 साल? नहीं, फुल टाइम ही वो सेंटर में चला रहा हूँ। तो अभी भी सेंटर चलाते हैं? ये चिंकारा यूनिवर्सिटी। चिंकारा यूनिवर्सिटी। तो आपने यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज दिस? यस। ठीक है। एक मशीन में कितनी शीट जाएगी? इसमें दो शीट जाते हैं। 1,000 शीट को अगर धोनी है दो दो करके, 2,000 मिनट हो गए जी, तो कितना हो गया टोटल घंटों में? ये हो गया लगभग 30 घंटे हो गए, तो 1.5 दिन हो गया। हाँ। भाई साहब 1.5 दिन में ना कि माल लेके जाएगा, पूरा दे के जाएगा वापस। आप समझ रहे हो मेरी बात? 70 मिनट में जो स्टीम में जो रखते हैं उससे जो बैक्टीरिया जाता है वर्सेस 80 सेकेंड, हो ही नहीं सकता सेम। हाँ। देखिए अभी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, कॉफी का कॉफी। ये तो नहीं हुआ ऐसा। देखिए एग्जाम दोबारा फेल हो गया भाई। क्या बोलते हैं, थर्ड ट्राई दिया जाए? नहीं भाई आओ मंगाइए, लाइए लाइए। आधे ग्लास पानी से ही हो रहा है ना? लाइट हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं, लाइट है पर वो फैल गया है थोड़ा। नहीं बहुत फैल गया है। ऑनेस्टली इतना लाइट तो पानी में डाल के भी हो जाता है, उसमें मैं भी निकाल सकती हूँ इतना लाइट। अभी वो बहुत कॉफी थी, वो नॉर्मल वो जो कमर्शियली अवेलेबल वॉशिंग मशीन है वो भी उसको नहीं निकाल पाएगी अगर आप उसमें भी डालेंगे तो। ठीक है अभी तो दावा ही क्यों किया आपने ऐसा? नहीं तो हमने अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आपको या तो फिर बोलना नहीं चाहिए था कि आप विनीता आप अपनी कॉफी लाओ। आपने ना सिर्फ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, आपको भी देखा। हाँ जी हाँ जी, अपने फाउंडर्स को फाउंडर्स के पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार दी दावा। ये तरह वही है मशीन, उबला हुआ पानी है उसको उबाल रहे हो और वो स्टरलाइज हो रहा है और है ही नहीं कुछ। स्टीम जो है वो जो ISP से जो दाग अलग हुआ है उसको कैरी करता है। ISP बोलो या उसको उबले हुए पानी की वो बोल दो भिगोना। एज ऑफ नाउ बहुत सारा अभी अनइन्वेस्टेबल, रेड फ्लैग सब जगह हो रहा है, सो आई एम आउट। आपने जो क्लेम की कि आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, इफ दिस क्लेम इज ट्रू तो ये रेवोल्यूशनरी होगा मेरे अंडरस्टैंडिंग से, बट जो आपने डेमो दिखाया उसमें वो कॉन्फिडेंस हम डेमो पे नहीं ले पाए। बातों पे आ रहा है आपको कॉन्फिडेंस? बातों पे भी नहीं आ रहा है मुझे उतना कॉन्फिडेंस, तो उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा। गाइस मुझे लगता है कि आप जो दिशा में चल रहे हो ना वो बिल्कुल गलत है। जो आप इंडस्ट्रियल मार्केट के पीछे लगे हो, सलॉन्स हॉस्पिटल्स होटल्स, क्लीनिंग स्टेरिलाइजेशन एक पार्ट होता है, ब्लीचिंग इज क्रिटिकल इन दैट बिजनेस। तो अल्टीमेटली अगर आदमी वो करवा रहा है तो साथ में ये भी करवा लेगा,
वो एक एडिशनल प्रोसेस है। जी, जी, तो वहाँ पे सेल्स करना और धंधा लाना बहुत ही मुश्किल है और वो काम में तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। बट एनीवे मैं आउट हूँ, गुड लक। आज मुझे लगता है कि आपकी पिच जो है ना वो थोड़ी सी हेवायर हो गई। आपने आके जो एक अर्ली स्टेज कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे दिखा दिया कि अभी रेडी है, तो ये आपने गलती करी, तो आज मैं इससे बाहर हूं। तो इसमें मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, जीरो डेमो है, जीरो इनोवेशन, जीरो टेक्नोलॉजी, जीरो इन्वेंशन। पानी उबालने की मशीन है ये, और जिस होटल में बेचे उसका नाम बताते हैं, वहां मैं कभी नहीं जाऊंगा। जिस हॉस्पिटल में बेचे वहां से वापस ले लेके, ये बहुत गंदी मशीन है, आई एम आप भी कुछ और कर लो, ये मशीन मत बनाओ। अपना रिसर्च कंटिन्यू रखो, अगर वो जो आपने क्लेम किया है जिस दिन वो मैच हो जाता है तो इट्स अ रेवोल्यूशन। अरे नहीं है यार, पानी उबालने की मशीन है, आप अपनी पिच को ठीक करो यार, मैं आपकी जगह आके भी पिच करता, इनसे इन्वेस्टमेंट ले जाता। टेक में मत पड़ो, रेजिडेंशियल मार्केट, लोकलाइज्ड इंडियन मशीन, गांव गांव में बिकती है। चलो बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, डूइंग गुड, थैंक यू।